नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका वत्सल आप सबका फूड कलेक्शन में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट अनरसा रेसिपी। अनरसा बनाने में 7 से 8 दिन लग जाते हैं, पर आज हम इसे क्विक और इंस्टेंटली बनाएंगे, जो बहुत ही आसान है, बहुत टेस्टी बनते हैं, एकदम कुरकुरे होते हैं। इन्हें बनाकर आप हफ्ते भर तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से टेस्टी इंस्टेंट अनरसे को बनाया जाए। इंस्टेंट अनार से बनाने के लिए हम यहाँ पर किसी भी तरह के चावल ले सकते हैं। मैं आज ये पास छोटे वाले बासमती चावल ले रही हूँ। अब हम इनका चावल का आटा बनाएंगे। तो जब भी आपको झटपट से कुछ बनाना हो तो इस तरह से आप चावल का आटा बना सकते हैं। इसे मिक्सी में डालें और इसका ढक्कन लगा के इसे आप अच्छे से पीस लें। कभी कभी हमें चावल की कुछ चीज़ें बनानी होती है पर हम बना नहीं पाते हैं, तो इस तरह से आप चावल का आटा घर पर बनाएं। अब हम इस चावल के आटे को पीस लेंगे। अब हम इसे एक छलनी में डालकर छानेंगे ताकि हमारे पास में चावल का फाइन पाउडर मिल जाए और जो ऊपर बचेगा उसे हम वापस पीसते जाएंगे। इस तरह से हम 2 से 3 बार इस प्रोसेस को करेंगे तो हमारे पास में चावल का आटा मिल जाएगा। यदि फ्रेंड्स आपको इजीली अपने घर के आसपास कहीं भी चावल का आटा मिल जाता है तो इस प्रोसेस को आप स्किप कर दें और आप फटाफट से इस चावल के आटे को लेकर अनरसे बना सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर आज आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से किस तरह से अनरसे बनाए जाते हैं बता रही हूँ। अनरसे बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है और इसको बनाने में करीब 7 से 8 दिन जाते हैं, पर मैं आपको इंस्टेंट करीब 15 से 20 मिनट में अनरसे किस तरह से बनाकर आप एंजॉय कर सकते हैं वह बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इंस्टेंट अनरसे हैं पर ट्रेडिशनली इसमें बहुत बहुत टाइम और मेहनत लगती है, इसलिए मैं क्विक रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये चावल का आटा बना लिया है। अब इस तैयार चावल के आटे को आप स्टोर करके रख सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे इसमें इसे 1 कप चावल के आटे की ज़रूरत है, तो हम 1 कप या आपके पास कोई नॉर्मल कटोरी है तो उसे भी भर के आप इस तरह से नाप लें। तो इस 1 कप चावल को नापने के बाद में हम इसे एक बोल में डालेंगे जिसमें कि हमें इसका आटा लगाना है। तो 1 कप चावल के साथ में हम यहाँ पे 1/3 कप चीनी लेंगे। चीनी को भी मैंने मिक्सर में पीस लिया था, तो उसे भी आप नाप के इसमें डाल दें। 1 टेबलस्पून घी लें। ध्यान रखें आप घी में जितना मैंने बोला है उतना ही लें, क्योंकि यदि घी ज़्यादा हो गया तो ये जब हम फ्राई करेंगे तब ही फट सकते हैं, तो इस बार का ज़रूर ध्यान रखें। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप इसे अच्छे से क्रम्बल करते हुए मिक्स करें। यह मेथड बहुत ही ज़रूरी है, खूब अच्छे से हाथों से मिक्स करना। यदि आप बड़ा बर्तन लें तो दोनों हाथों से अच्छे से रब करते हुए इसे मिक्स करें ताकि घी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो हम इसमें धीरे धीरे दूध डालेंगे। दूध लो टेम्परेचर पर होना चाहिए और 1-1 चम्मच करके आप इसमें दूध डालें और हाथों से मसलते हुए इसको बाइंड करें। ध्यान रखें हमें यहाँ पे चीनी डाली है, चीनी बिल्कुल भी दूध या पानी सोख नहीं करती है, जल्दी से मेल्ट होने लगती है। तो यहाँ पर आप इसमें धीरे धीरे दूध डालें। आप चाहें तो आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, चम्मच की सहायता से दूध डालें। करीब 1/4 कप मैंने यहाँ पर दूध का यूज़ किया है जिससे कि हमें यहाँ पर ये दूध जैसा फॉर्म मिल जाएगा। ध्यान रखें मैं बार बार बोल रही हूँ बहुत कम डालें, ज़्यादा हो गया तो आपको वापस से चावल का आटा और शुगर मिलानी पड़ेगी प्रपोर्शन में ताकि आप परफेक्ट अनरसे बना सकें। तो इस तरह से मैं अच्छे से मिक्स करते हुए दूध से आटा गूंथ लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में ये डो अब कलेक्ट हो गया है। इसे इस तरह से हाथों से एक बॉल का शेप दें और हम इसे यहाँ पर इसे बोल में रख देंगे और इसे ढक कर करीब 10-15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि चावल का आटा अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट के बाद में हम इसे खोलेंगे और हम इसके छोटे छोटे से नींबू आकार के बॉल्स बना लेंगे। तो देखिए इस तरह का हमारे पास ये आटा है। हाथों से अच्छे से प्रेस करें और इनके जब ये बॉल बन जाए तो इन्हें दोनों हथेलियों के बीच में दबाएं और इस तरह छोटी छोटी सी टिक्कियां बना लें। तो इस तरह से हम यहाँ पर सभी अनरसों को सेम इसी तरह से चपटा करके बना लेंगे। आप चाहें तो अनरसों एकदम गोल गोल बॉल्स की तरह भी बना सकते हैं और चाहें तो इस तरह से चपटा करके भी बना सकते हैं। चपटा बनाने से खाने में इजी रहता है क्योंकि काफ़ी क्रिस्पी होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे हमेशा चपटा शेप देती हूँ ताकि इजी भी रहे और दिखने में भी सुंदर लगे और सर्व करने में भी अच्छा रहे और स्टोर भी हम इसे इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में आधे डोसे मैंने ये अनरसे बना लिए हैं। अब हम उसी प्लेट में थोड़े से खसखस के दाने लेंगे और टिक्की पर एक साइड से इस तरह से प्रेस करते हुए लगाएंगे कि इस पर जो खसखस है वह अच्छे से चिपक जाए। आप चाहें तो यहाँ पे तेल का भी यूज़ कर सकते हैं जो घर में अवेलेबल है, आप उससे इस मिठाई को बनाएं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक साइड में सभी तरफ से खसखस लगा दिए हैं और इन्हें अच्छे से दबा दें। चाहे हम कितना भी दबाएं, थोड़े से तो ये फ्राई करने के बाद निकल ही जाते हैं, तो उसकी आप टेंशन ना लें। अब हम इन्हें मीडियम हॉट और तेल में
लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। ध्यान रखें तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। और डालते ही इन्हें इमिडिएटली टच ना करें, नहीं तो फट सकते हैं। अब आपको लगे जब नीचे से अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं तो इन्हें धीरे से पलटें, बहुत ध्यान से इन्हें पलटना है। उसके बाद कोई घबराने की बात नहीं है, स्टार्टिंग में यदि आपने स्टेप अच्छे से कर लिया तो अनरसे बहुत ही बढ़िया और अच्छे से बनकर आते हैं। ट्रेडिशनली जब हम अनरसे बनाते हैं तो उन्हें एक ही तरफ से फ्राई किया जाता है, पर हम ये इंस्टेंट बना रहे हैं तो थिक है, तो इन्हें दोनों तरफ से फ्राई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया क्रैक्स आए हैं अनरसों पर, और जो ट्रेडिशनली होते हैं वो पतले बनते हैं, उनके अंदर काफ़ी अच्छी जाली बैठती है क्योंकि उन्हें फॉर्मेंट किया जाता है। तो इस तरह से मैं आज आपके सामने बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इन्हें बनाएं। ट्रेडिशनली ये महाराष्ट्र में दिवाली बनाए जाते हैं और यूपी में इन्हें सावन के महीने में बनाया जाता है, तो आप इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये ड्राई स्नैक है, ये स्टोरेबल भी है, और इन्हें आप महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी अनरसों को बनाकर तैयार कर लिया है। एक कप अनरसे में करीब मेरे पास में करीब ये 10 से 11 अनरसे बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लग रहे हैं। अब इन्हें आप ठंडा कर लें और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्रैक्स आए हैं और खाने में एकदम टेम्पटिंग लग रहे हैं। और इनको अब आप किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी और बढ़िया बने हैं, और मैं आपको इसको तोड़ के भी बताऊँगी कितना बढ़िया टेक्स्चर आया है। तो इस तरह से आप घर पर आसानी से ट्रेडिशनल रेसिपीज़ भी बना सकते हैं इंस्टेंटली। वाह, बहुत ही बढ़िया बने हैं, देखिए एकदम क्रिस्पी। आप इसके अंदर का टेक्सचर देख सकते हैं और बाहर की आउटर कवरिंग भी देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी लग रही है, खाने में एकदम मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करें। और इसी तरह की और रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और किस तरह की रेसिपीज चाहिए हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू।